The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपके गम से, आपके दांतों से या दांतों के इर्द गिर्द से, मुंह से खून आता है, थोड़ा बहुत खून आता है, थूकते हैं तो खून आता है, करते हैं तो खून आता है, ब्रश करते हैं तो खून आता है, तो क्या करें। ब्लीडिंग गम्स क्यों होता है, कैसे होता है और उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो ब्लीडिंग गम्स जो है एक साइन है बेसिकली कि आपके बीमारी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। और ब्लीडिंग गम डिजीज़ के वजह से ऑनगोइंग गम ब्लीडिंग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दांतों के अंदर प्लाक बिल्टअप हो रहा है या फिर मसूड़ों में ही कोई बीमारी है। और कभी कभी ये कोई एक सीरियस मेडिकल कंडीशन का भी इंडिकेशन हो सकता है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है कि ये क्यों होता है। ठीक है, सो मेन रीजन जो है वो तो होता है गम लाइन जो होती है उस पर प्लाक जमा हो जाना। सो प्लाक इज जो आप ब्रश करके डेली निकालते हैं, लेकिन प्लाक अगर सही से नहीं आ रहा, सही से ब्रश नहीं कर रहे, तो फिर अल्टीमेटली वहां पर जिंजिवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, गम का इन्फ्लामेशन होगा, गम्स का लालपना आएगा, वहां पर इन्फ्लामेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। आपके मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो तो प्लाक जो नहीं निकल पाता ब्रशिंग से, जो नहीं रेगुलर ब्रश करते हैं या सही से ब्रश नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे वो प्लाक जो है हार्ड हो जाके टार्टर बन जाता है। और यहाँ पर ये टार्टर जो है ब्लीडिंग के रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज ब्लीडिंग, बिकॉज मोर एडवांस्ड फॉर्म बन जाता है उस मसूड़ों की बीमारी का, जॉ बोन तक चला जा सकता है इन्फेक्शन या बीमारी कह लीजिए, इन्फ्लामेशन, जॉ की हड्डी तक बीमारी, मसूड़ों से अंदर हड्डी तक भी बीमारी जा सकती है अगर वो प्लाक जमा होकर वहाँ टार्टर बन जाए। इसे अगर हड्डी तक, जॉ बोन तक बीमारी गम के साथ मसूड़ों तक चले गए, उसे कहते हैं पेरिओडोंटाइटिस। पेरिओडोंटाइटिस और भी कई कारण होते हैं गम ब्लीडिंग के, यानी अगर आपको किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई भी आपके यानी कि लिवर में प्रॉब्लम है, कोएगुलेशन प्रोफाइल खराब है, या फिर इवन आप बहुत खूंखार तरीके से ब्रश करते हैं, ब्रशिंग टू मच, टू हार्श ब्रशिंग, वो भी ब्लीडिंग का कारण हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। डेंचर्स अगर आपके फिटिंग नहीं है तब आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर डेंटल अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं किसी प्रकार के, उनके साइड इफेक्ट से चोट लग सकती है। फ्लॉसिंग अगर आप बहुत अच्छे से नहीं, इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, वहां पर कट्स आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शंस अगर आपके टूथ में हो, गम में हो, यानी मसूड़ों में या दांतों में हो, ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत ही कह लीजिए स्कर्वे नाम की बीमारी होती है, पहले ज़माने में बहुत कॉमन था, अभी भी कई जगह देखने को मिलती है। लोग फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स बहुत होते हैं, लोग फ्रूट्स नहीं खाते ज़्यादातर। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वे होता है, उसमें भी ब्लीडिंग गम्स एक बड़ा साइन है। ब्लड थिनर्स अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे आपको हार्ट की बीमारी है, कोविड है, पोस्ट कोविड है, डीडाइमर बड़ा है, ब्लड थिनर यूज़ करते हैं, उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, अगर वो डेफिशिएंट है तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर है, उसमें भी गम से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग गम के बहुत कारण है, डेंजरस कारण भी है, हल्के फुल्के सिंपल कारण भी है। तो यही बात इवेल्युएट करनी होती है कि कारण आपके केस में क्या है, राइट। सो होम केयर क्या कर सकते हैं आप पहले तो एक बार अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में जरूर दिखाओ कि आपके दांत सही से साफ हो रहे हैं कि नहीं, प्लाक निकल रहे हैं कि नहीं, कोई प्लाक जमा तो नहीं हो रहा, कोई वहां टार्टर तो नहीं बन रहा, कोई गड्ढा तो नहीं बन रहा, कोई कैविटी तो नहीं बन रही। ठीक है, ब्रश करना है आपको दिन में 2 बार, लेकिन जेंटली सॉफ्ट ब्रशेस से, और एटलीस्ट सिर्फ 2 बार, एटलीस्ट 2 बार। और अगर बाद में गंदे होते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ पॉइंट। और इट इज बेस्ट अगर आप हर बार खाना खाने के बाद में ब्रश करें, राइट। फ्लॉस आपको 2 बार करना चाहिए, टार्टर्स या बिल्डिंग हो ना हो उस वजह से। बाकी आपके डेंटिस्ट आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, बेस्ट तरीका फ्लॉसिंग का। और आपके डेंटिस्ट आपको बोल सकते हैं कि नमक के पानी से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले पानी से थोड़े से गरारे कर लो, राइट। माउथ वॉश जिसमें अल्कोहल होता है वो वाला आपको नहीं यूज करना, वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। सो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश नहीं यूज करना। आपको एक बैलेंस हेल्दी डाइट यूज करनी है। स्नैकिंग जो बीच, हर बार खाने के बीच में जो स्नैकिंग होती है वो अवॉइड करनी है। स्नैकिंग खासकर जो स्वीट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मीठी चीजें होती हैं, वो आपको कट डाउन करनी होगी। आपको अपना दांतों का एग्जामिनेशन के अलावा टबैको, अगर आप टबैको यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं, उसे आपको बंद करना होगा, बिकॉज वो टबैको से ब्लीडिंग गम्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है, इन्फेक्शन हो तो ठीक होने में प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लीडिंग गम्स कंट्रोल करने के लिए आप उधर जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं गम्स पे विद अ गॉज। गॉज पीस होता है जो आप ठंडे पानी में सोख करके उसे वहाँ प्रेशर लगा सकते हैं, तो वो थोड़ी देर में रुक जाना चाहिए अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी डायग्नोस हुई है तो विटामिन सप्लीमेंट लेने होंगे। अगर आप किसी प्रकार के ब्लड थिनर पे हैं, एस्पिरिन पे है या कोई और ब्लड थिनर पे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या इसे रोका जा सकता है या आपको वो लेना जरूरी है किसी कारणवश बीमारी के चलते। अगर आप किसी दवाई का साइड इफेक्ट है या किसी और कोई ऐसी बीमारी है, विटामिन जैसे आपको कोई लिवर की बीमारी है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसके लिए फिर हो सकता है आपको विटामिन के इंजेक्शंस लगे या कोई और ब्लीडिंग रोकने वाली दवाई दी जाए। ओरल इरिगेशन डिवाइसेस आते हैं, अगर आप वो इरिगेशन करना चाहें, अगर वो आप यूज़ करते हैं तो वो लो सेटिंग में यूज़ करना है ताकि गम्स को मसाज हो, ना कि उस पर जोरदार प्रेशर से हो, याद रखिए। डेंचर्स अगर आप पहनते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, उसकी फिटिंग चेक कराइए। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, डेंटिस्ट को, अगर ब्लीडिंग सीवियर है या लंबे समय तक हो रही है, या फिर अगर आपके ट्रीटमेंट से ब्लीडिंग रुक नहीं रही, उसके अलावा कोई और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम है, तब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपका ब्लड स्टडीज भी कर सकते हैं, CBC और एक्सरेज, दांतों के जॉ बोन के एक्सरे करके देख सकते हैं, ब्लड डिफरेंशियल्स देख सकते हैं। सो ब्लीडिंग गम्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम सीवियर नहीं होती, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है। सो इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके और लोगों की हेल्थ लिटरेसी बढ़ सके। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।